नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है बिहारी न्यूज में। आगे बढ़ने से पहले युवाओं के लिए खुशखबरी, हम हर रोज टॉप 5 रोजगार समाचार आपके लिए लेकर आते हैं। इसको सुनने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल GOVPVT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे द्वारा जारी किए गए किसी भी अपडेट तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे GOVPVT यूट्यूब चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। 14 चक्के से ज्यादा वाले ट्रक मालिकों की मुश्किल बढ़ी। सभी ट्रक मालिकों के लिए यह खबर कुछ खास है। अगर आपके पास भी 14 चक्के से ज्यादा का ट्रक है तो ध्यान रखें, क्योंकि परिवहन विभाग ने ऐसे सभी ट्रकों के बालू ढुलाई पर भेजने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, परिवहन विभाग ने इन सभी ट्रकों के लकड़ी या पट्टा लेकर पुलों पर आने जाने पर भी रोक लगा दिया है। डीएलएड अभ्यर्थियों के हक में आया फैसला। लंबे समय से 18 महीने में डीएलएड की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों की किस्मत का फैसला आ गया है और खुशखबरी यह है कि फैसला इनके हक में आया है, जिसके तहत 2.50 लाख नियोजित शिक्षकों को शिक्षक नियोजन में पूरा लाभ मिलने वाला है। एनसीईटी ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले पर हामी भर दी है। बीपीएससी पीटी के रिजल्ट के तर्ज पर 4500 अभ्यर्थियों का होगा चयन। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जल्द से जल्द निकलवाने का सोच विचार किया जा रहा है। ज्ञात हो 10 प्रश्नों पर शुरू हुए संशय के निदान के लिए हाल ही में शिक्षा विभाग ने प्रश्नों की फाइनल आंसर शीट जारी की थी, जिसके बाद अब कुछ ही समय में 65वीं बीपीएससी के परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। परिणाम की घोषणा के बाद 4500 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सभी नियोजित शिक्षकों के फरवरी महीने का वेतन रुका। अपनी मांगों को लेकर और खासकर की वेतन के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे सभी नियोजित शिक्षकों पर सरकार सख्ती से पेश आ रही है, जिसके तहत सरकार ने सड़कों पर उतरे सभी शिक्षकों के फरवरी महीने के वेतन को रोकने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने वेतन सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को दिए जाने का आदेश दिया है जो इसमें शामिल नहीं है। दरोगा अभ्यर्थी एक बार फिर उतरे सड़कों पर। प्रश्न पत्र में हुए उलटफेर, साथ ही साथ पीटी परीक्षा के परिणामों के दौरान हुई गड़बड़ियों का आकलन करने की मांग को लेकर परीक्षा के सभी अभ्यर्थी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं, जहां पर ये सभी छात्र पटना के सभी कोचिंग सेंटर्स को बंद करवाकर परीक्षा को दोबारा से करवाने की मांग कर रहे हैं। गया में एक व्यक्ति में कोरोना के लक्षण होने की जागी आशंका। चीन से शुरू हुए कोरोना ने देश विदेश के लोगों में अलग माहौल बना दिया है। इसी क्रम में बिहार के गया जिले में भी एक व्यक्ति में कोरोना के लक्षण होने की आशंका जताई गई है, जिसके बाद उसे ANMMCH में रेफर कर दिया गया है। हालांकि अभी भी रिपोर्ट्स का इंतजार है। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के सुर में मिलाए सुर। बीते दिन प्रशांत किशोर के पटना आने से गरमाई सियासत में सुगबुगाहट का दौर शुरू हो गया है, जहां प्रशांत किशोर ने जमकर राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। वहीं अब उनके सुर में सुर मिलाते हुए तेजस्वी भी नजर आए हैं, जिसके तहत उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रशांत किशोर जी आज जो भी कह रहे हैं वो हम ना जाने कितने समय से कहते आ रहे हैं। यूपी बिहार को जोड़ने वाले पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही रुकी। बिहार के पुलों पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाए जाने के बाद अब बारी यूपी बिहार को जोड़ने वाली जयप्रभु सेतु की है, जहां वाहनों की आवाजाही को रोकने के आदेश जारी किया गया है। खबरों की माने तो अभी अभी इस पुल के मरम्मत के कामों को शुरू किया जा रहा है। मरम्मत के लिए निर्धारित समय तक भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे दलेर मेहंदी की। बोलो तारा रारा गाने से मशहूर हुए दलेर मेहंदी का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। इतना ही नहीं, इस गाने के लिए दलेर मेहंदी को चैनल वी बेस्ट इंडियन मेल पॉप आर्टिस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया था, जिसके बाद से दलेर के कई सारे गाने बैक टू बैक फेमस होते गए। इसके साथ ही उन्हें उनके गानों के लिए कई सारे अवार्ड भी मिले। सदानंद सिंह ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। कांग्रेस की सिमरते जनादेश को देखते हुए अब कांग्रेस ज्यादा सक्रिय होकर और संभल कर चुनावी मैदान में उतरना चाह रही है। इसी क्रम में बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने सोनिया गांधी से मिलकर बिहार की राजनीतिक परिस्थिति की चर्चा की, साथ ही साथ चुनाव के मद्देनजर पार्टी की रणनीतियों पर भी सोच विचार किया। पूर्वी चंपारण के मोती झील में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी के बीच में एक खूबसूरत झील है। झील के दोनों ओर का प्राकृतिक परिवेश बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं एवं यहाँ के सूर्यास्त का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। इसी वजह से यह स्थान इस जिले के सबसे ज्यादा चर्चित पर्यटन स्थलों में से एक है। अगर आप मोतिहारी जा रहे हैं तो यहाँ का सैर जरूर करें। ग्रीन बजट में मछली पालन को दी जाएगी प्राथमिकता। कुछ ही समय में बिहार में जारी होने वाले ग्रीन बजट में सरकार इस बार मछली पालन को बढ़ावा देने का काम करेगी, जिसके तहत मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में इस साल मछली की मांग को पूरा करने में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अभी तक बिहार में मछलियाँ नेपाल और दूसरे राज्यों से मंगवाई जाती है। बिहार के स्कूलों में अब नजर आएंगी बिहार पुलिस। 22 फरवरी से शुरू होने वाले पुलिस सप्ताह के तहत अब बिहार पुलिस चौराहे के साथ साथ स्कूलों के बाहर भी नजर आएंगी, क्योंकि इस सप्ताह के दौरान पुलिस छात्रों को बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ शारीरिक ज्ञान भी देना चाहती है, जिसके तहत अब पुलिस सभी छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के लिए भी प्रोत्साहित करेगी।
शरद यादव ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से किया इनकार। बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। कारण था रालोसपा वीआईपी जैसे विपक्षी दलों द्वारा बार बार उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने की मांग का। मगर अब शरद यादव ने फ्रंट फुट पर आकर इन अटकलों पर कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हम कोई चेहरा नहीं है, राजनीति सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी ही हमारे नेता है। स्पाइस जेट की 20 नई उड़ानें 29 मार्च से होंगी शुरू। स्पाइस जेट घरेलू मार्गों पर 20 नई उड़ानें शुरू करने वाला है, जिसमें सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत कुछ सेवाएं शामिल होंगी, जो अगले महीने के अंत में एयरलाइन के समर शेड्यूल को जारी कर दिया जाएगा, जिसके तहत पटना में अमृतसर, वाराणसी और गुवाहाटी के लिए नई सेवाओं की शुरुआत होगी, जिससे आम नागरिकों को काफी ज्यादा सहूलियत भी मिलेगी। अब बिहार के 15 रूटों पर दौड़ेंगी तेजस और वंदे भारत ट्रेन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार में जल्द ही लगभग 15 रूटों पर तेजस और वंदे भारत जैसी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा, क्योंकि राज्य के कई प्रमुख स्टेशनों से आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन चलने के लिए कई प्राइवेट कंपनियां दिलचस्पी ले रही हैं। वहीं नीति आयोग ने भी रेलवे को बिहार से गुजरने वाली 15 रूटों पर नई ट्रेनों चलाने का प्रस्ताव दिया है। सीएसबीसी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ने जारी किया एग्जाम लोकेशन की सूची। केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटरों की सूची जारी कर दी है, जो कि सीएसबीसी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप वहां दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, 8 मार्च से शुरू होने वाले इस परीक्षा में लगभग 6 लाख परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। नियोजित शिक्षकों के समर्थन में आए उपेंद्र कुशवाहा। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अब नियोजित शिक्षकों के समर्थन में आ गए हैं, जिसके तहत उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर नियोजित शिक्षकों की मांग को अनसुना करने पर सवाल उठाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि नियोजित शिक्षक सरकार से यूं ही पैसे नहीं मांग रहे, बल्कि अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे हैं। मीसा भारती ने पप्पू यादव को बताया बिन पेंदी का लोटा। लालू यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी अब बयानबाजी की राजनीति में सक्रिय होती जा रही हैं। इसी क्रम में उन्होंने हाल ही में जा प्रमुख पप्पू यादव के उस बयान का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसा था, जिसके जवाब में मीसा भारती ने पप्पू यादव को बिन पेंदी का लोटा बता दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जो नेता कन्हैया पर ज्ञान देते हैं, वैसे नेताओं को यहां की जनता बखूबी जानती है। तेज प्रताप यादव ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ उठाई आवाज। सभी विपक्षी दल वर्तमान समय में सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर सरकार पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर राजद नेता तेज प्रताप यादव केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर तंज कसते नजर आए, जिसके तहत सिमरी बख्तियारपुर के रानीबाग पहुंचकर उन्होंने कहा कि सरकार विकास का काम करने के बदले लोगों को भ्रम में डालने का काम ज्यादा कर रही है और माहौल खराब कर रही है। शोएब अख्तर ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खिलवाने पर दिया जोर। पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज शोएब अख्तर ने भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खिलवाने की मांग पर एक बार फिर जोर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यापार हो सकता है तो क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल किया है कि अगर भारत और पाकिस्तान डेविस कप खेल सकते हैं, एक दूसरे के साथ कबड्डी खेल सकते हैं, तो क्रिकेट खेलने से परहेज क्यों। फिल्म 83 में रणवीर के साथ दीपिका भी आएंगी नजर। कपिल देव के जीवन पर बनी रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 83 की चर्चाएं लंबे समय से सुनने को मिल रही है। इसी क्रम में अब फिल्म का एक नया पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें रणवीर के साथ साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आ रही हैं। खबरों की माने तो फिल्म में दीपिका ही कपिल देव की पत्नी रोमी देव की भूमिका निभा रही है, जिसको खुद दीपिका ने अपने सोशल मीडिया साइट से शेयर किया है। अब चलिए बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर अब लगभग खत्म हो चुका है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में पछुआ हवा चलने के कारण कनकनी महसूस होगी, मगर धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावनाएं हैं, मगर हवा के कारण ठंड का असर अभी भी देखने को मिल सकता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 19 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,801 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,429 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 51,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.59 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 69.28 रुपए प्रति लीटर था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे अररिया दौरे पर। भाजपा के बड़बोले नेता गिरिराज सिंह अररिया दौरे पर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने सीएए के नाम पर हो रहे विरोध को गलत करार दिया है। गिरिराज सिंह इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे सीएए के बारे में लोगों को यह समझाते हुए कहा कि सीएए नागरिकता देने का विकल्प है, न कि लेने का। विपक्ष बेवजह सीएए के नाम पर भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें मनीष मोहरा ऑफिशियल, कृष्णा कुमार, अंग्रेज कुमार, आदिल खान, विकास कुमार, सुभाष कुमार, विश्वकर्मा कुमार,
अमरेश चौधरी, मोहन कुमार, अफजल हुसैन, रमेश कुमार, अजय कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, इस साल पेश होने वाले बिहार के ग्रीन बजट में आपके अनुसार किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर बजट पेश होना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।